स्टूडेंट्स, आज हम आपके इंग्लिश की बुक बिहाइव का लेसन नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक करेंगे। आज हम इसका पार्ट 1 करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 2 करेंगे। एवलिन ग्लियानी इज़ अ म्यूजिशियन, कि जो एवलिन ग्लियानी थी वो क्या है, एक संगीतज्ञ थी। शी बिकेम कम्प्लीटली डीफ व्हेन शी वॉज 11, जब वो 11 साल की थी तो वो क्या है, बिल्कुल बहरी हो चुकी थी। हर हेडमिस्टर एडवाइज्ड पेरेंट्स टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट, कि जो उसकी जो मुख्य अध्यापिका थी उसने उसके पेरेंट्स को क्या एडवाइस दी कि वो उसे क्या एक स्पेशलिस्ट के पास लेके जाएं। शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंड टू ए स्पेशल स्कूल फॉर द डीफ, कि जब पता चला उन्हें कि क्या है सुन नहीं सकती तो उसे क्या है जो बहरों का स्कूल होता है उसे वहाँ पर एडमिशन करवा दिया गया। बट एवलिन डिड नॉट गिव अप होप, मगर एवलिन ने क्या है अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड कंटिन्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, कि वो क्या है अपनी जो लाइफ को क्या है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जीना चाहती थी और उसने क्या है जो उसका जो म्यूजिक में इंटरेस्ट था उसे क्या है जारी रखा। वन डे शी saw a गर्ल प्लेइंग xylophone, तो एक दिन उसने क्या एक लड़की को देखा कि वो कि कोई संगीत का यंत्र बजा रही थी। शी टू वॉन्टेड टू प्ले, वो भी कैसे बजाना चाहती थी। मोस्ट ऑफ हर टीचर डिसकरेज्ड हर, कि बहुत से उसके टीचर्स ने उसे मना किया। बट प्रिकॉशनिस्ट रोन फोबर्स स्पॉटेड हर कैपेबिलिटी, मगर जो तबला वादक रोन फोबर्स थे उसने उसकी क्या है क्षमता को देखा। ही बिगैन बाय ट्यूनिंग टू अदर वे, कि वो क्या है उसने दो उसे और तरीके बताए कि वो कैसे अपनी लाइफ को क्या है ही बिगैन टू टर्न टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स, तो क्या है वो दो लार्ज ड्रम्स को अलग अलग तरीकों से बजाना सीखने लगी। ही एडवाइज्ड एवलिन टू सेंस द ट्यून नॉट बाय हर ईयर्स बट इन सम अदर वे, कि उसने एवलिन को क्या एडवाइस दी कि जो म्यूजिक की जो ट्यून होती है वो अपने कानों से ना सुनकर दूसरे तरीकों से सुन लें। सडनली शी रियलाइज दैट शी कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड लोअर फ्रॉम द वेस्ट डाउन, कि एकदम अचानक उसे क्या रियलाइज हुआ कि शी कुड फील द हायर ड्रम, कि वो क्या है बड़े बड़े ड्रम को क्या है फील कर सकती थी कि वेस्ट अप और लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, जो फोर्ब्स थे जो तबला वादक थे उसने क्या है अपनी एक्सरसाइज को रिपीट रखा, वो रिपीट करता रहा। सून एवलिन स्टार्टेड सेंसिंग नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, तभी क्या है जल्द ही क्या है जो एवलिन थी वो उसने क्या है जो ट्यून्स को क्या है दूसरे तरीके से सेंस करना महसूस करना स्टार्ट कर दिया था, कि हर एक पार्ट की जो उसके जो बॉडी पार्ट्स थे वहाँ से वो संगीत को क्या है महसूस कर सकती थी। शी हैड लर्न टू ओपन हर माइंड, उसने क्या है अब अपने माइंड को और बॉडी को साउंड और वाइब्रेशंस के सुन के क्या है अपनी बॉडीज को खोलना स्टार्ट कर दिया था। आफ्टर दैट शी नेवर लुक बैक, उसके बाद क्या है उसने मुड़कर पीछे नहीं देखा। शी वेंट टू यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ वो क्या है यूके गई। शी वॉज 16, तब वो क्या है 16 ईयर्स की थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, उसने क्या डिसाइड कर लिया कि वो म्यूजिक को ही क्या है अपनी लाइफ बना लेगी। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, उसने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए भी क्या है ऑडिशन दिया। शी स्कोर वन ऑफ द हाइएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी, कि उस अकेडमी के इतिहास में क्या है पहली बार ऐसा हुआ था कि उसने इतने हाइएस्ट स्कोर हासिल किया था। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स, 3 साल के कोर्स के बाद शी हैड वॉन मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड, कि उसे बहुत से टॉप अवार्ड्स मिले। ग्रेजुअली शी मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस, तो क्या है ऑर्केस्ट्रा को छोड़कर वो क्या है अब सोलो परफॉर्मेंस अकेली परफॉर्मेंस करने लगी। नाउ शी इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉफ्ट आफ्टर मल्टी प्रिकॉशनिस्ट, कि अब क्या है वो वर्ल्ड की सिर्फ क्या है एक ऐसी प्रिकॉशनिस्ट बन चुकी थी कि जो क्या है एक साथ क्या है बहुत से ऐसे जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से वो बजा सकती थी। शी हैज़ गोट मास्टरी ऑफ अ लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कि बहुत से इंस्ट्रूमेंट बजाने में उसने क्या है मास्टरी हासिल कर ली थी। शी परफॉर्म्स एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, कि बिना सुने ही वो क्या है बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करती थी।
एवलिन सेज दैट म्यूजिक टिंगल्स इन हर स्किन. एवलिन बताती थी कि जो म्यूजिक है वो क्या है, उसकी स्किन, हर चीक बोन्स एंड इवन इन हेयर्स में भी क्या है उसे महसूस होता है. शी रिमूव्स हर शूज ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म. वो क्या है, अपने शूज़ को क्या है जो लकड़ी का प्लेटफॉर्म था वहाँ उतार देती. इन दिस वे द वाइब्रेशन ऑफ म्यूजिक पास थ्रो हर बेयर फीट. तो इसी तरह क्या है, जो म्यूजिक की जो वाइब्रेशन थी उसके नंगे पैरों से होकर एंड अप हर लेग्स उसके पैरों से होते हुए वो क्या है उसे महसूस करती थी. एवलिन इज़ द शाइनिंग इंस्पायरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन. जो एवलिन क्या थी, वो क्या थी, जो गूंगे बहरे बच्चे थे उनके लिए क्या है, एक बहुत ही अच्छी उनके लिए इंस्पायरेशन थी. शी हैज़ ऑलरेडी अकॉम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज. कि उसने क्या है भी बहुत मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज की अपनी से दुगनी उम्र के भी लोगों से क्या है उसने बहुत ज़्यादा उनको क्या है इंस्पायर किया और अपनी एज के जो उसके साथ जैसे बहरे थे उनको भी क्या है बहुत ज़्यादा इंस्पायर प्रेरित किया. देन स्टूडेंट्स, ये पार्ट वन था. नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन आंसर करके पार्ट टू करेंगे. इस वीडियो को आपने, इस लेसन को अच्छे से देखना है, पढ़ना है और समझना है. थैंक यू.